खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जन शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान देश के चर्चित राजनेता के साथ साथ एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी हैं। आए दिन सोशल मीडिया से लेकर चौटी चौराहों तक राजनीतिक चर्चाओं के बीच चिराग पासवान की शादी की बातें होती हैं। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार भी चिराग पासवान से उनकी शादी के बारे में सवाल पूछ ही लेते हैं। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर अपनी शादी को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिससे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल चिराग पासवान से एक बार फिर उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा गया। चिराग से पूछा गया कि आप 42 के हो गए हैं, शादी कब कर रहे हैं। सवाल सुनते ही चिराग पासवान के चेहरे पर एक गुलाबी सी मुस्कान छा गई। चिराग ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, अरे प्रभु मत पूछा कीजिए ये सारे सवाल, लेट्स कम बैक ऑन पॉलिटिक्स। वहीं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में जमुई से LJP आर के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी उनकी शादी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया था। अरुण भारती ने बताया था कि साल 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने तभी उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही रामविलास पासवान जी की तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। इस बीच रामविलास पासवान जी का देहांत हो ही गया। अरुण भारती ने कहा कि पिछले 10 से 15 साल से चिराग पासवान और उनका परिवार स्थिर नहीं हो पा रहा है कि शादी जैसे संवेदनशील बात के बारे में सोच भी सके। हालांकि उन्होंने बताया कि परिवार के लोगों ने तय किया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फैमिली के तमाम लोग मिलकर चिराग को शादी के लिए तैयार करने का प्रयास करेंगे। वहीं जब चिराग पासवान से पूछा गया कि राजनीति में उनके पिता की पहचान एक मौसम वैज्ञानिक के रूप में हो रही है, वो इसे किस रूप में लेते हैं, इस पर चिराग ने कहा कि जब तक वो राजनीति में नहीं आए थे तब तक उसे तंज के रूप में देखते थे, लेकिन अब वो उसे अच्छा मानते हैं। चिराग ने कहा कि वो चाहते हैं कि मौसम वैज्ञानिक वाला उनके पिता का गुण उनके अंदर भी आए तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता की ये काबिलियत थी कि वो जनता का मूड भांप लेते थे। खासकर 2003 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि केंद्र में BJP हार जाएगी और UPA की सरकार बनेगी, लेकिन देश भर में रामविलास पासवान ही वो नेता रहे जिन्होंने चुनाव से पहले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए और रिजल्ट इसी गठबंधन के पक्ष में आया। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।